और ये मैच अब आरंभ हो चुका है। धनागर और बबुड़वा के मध्य ये बबुड़वा की ओर से सिकंदर, सिकंदर इनका नाम है, लंबे हट्टे कट्टे लंबे कद के खिलाड़ी हैं, काफी अरसे से खेलते आ रहे हैं, काफी अनुभव है मैच खेलने का। और ये देखिए बोनस के लिए पैर को आगे बढ़ाया, लेना लेना उतना आसान नहीं रहता है, इसलिए उन्होंने जैसे ही पैर डाला अपने आप को वापस खींचा। और यहाँ पर दावा, एक दावा तो है कि यदि उनके मुख्य, हालांकि मुख्य खिलाड़ी और हैं, लेकिन एक एक करके उनको बिठाया जाए और एक एक करके उनको, जैसा कि मैं बता रहा था कि जो टीम सीनियर होती है या जिनमें खेलने की हुनर होती है और खेलते हैं लेफ्ट कॉर्नर पर रहते हैं और एक छोर को पूरी तरह से संभाल के रखते हैं। और ये देखिए बहुत ही बेहतरीन दोनों ही टीम के मध्य मैच चलता हुआ। तो अगले जगह या अगले साल जब दोनों के आमने सामने भिड़ंत होगी तो एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से एक मानसिक दबाव बना रहेगा कि हम इन्हें जीत सकते हैं और हम इनको हरा सकते हैं, इस प्रकार के देखना होगा दोनों ही टीम। गुड़वा में सिदार बंधुओं की फेरिस्ता है और यहाँ पर ये देखिए खिलाड़ी को तो लगता है बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग सभी दर्शक कि दोनों ही टीम के भवि हैं, काफी खेल चुके हैं, चार और एक, धनागर एक अंक और बगोड़ा चार अंक। और ये देखिए एक रास्ता अख्तियार करते हुए और इस प्रकार से तीन खिलाड़ी बचे हैं। यहाँ पर सुपर टेकल आन हो गया है, यदि इसको पकड़ते हैं तो दो अंक मिल जाएगा और स्कोर में थोड़ा सा यहाँ पर हो जाएगा और स्कोर कट कर कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ अंदर से जा करके बीच के खिलाड़ी को टच करके लाया और एक अंक जीत कर बहुत बेहतरीन यहाँ पर बगबुड़वा की ओर से प्रदर्शन। छः एक, अभी तक एक ही अंक पर खेलती हुई धनागर और एक अंक उनके जो स्ट्राइक रेडर सोनू वो लेकर आए थे, वो भी दूसरी रेड पर नहीं लाए थे, उसके बाद से अंकों का एक अकाल सा पड़ा हुआ है और उसके बाद से अंक लेने हैं तो इस रेडर को टेकल करना जरूरी है क्योंकि सुपर टेकल आना है। दो खिलाड़ी बचे हैं, तीन या तीन से कम खिलाड़ी। और ये देखिए खिलाड़ी को ये लगा कि शायद मैं इसे टेकल कर जाऊंगा, लेकिन उतना आसान नहीं रहता है, बड़े खिलाड़ी लंबे दोनों टीम के खिलाड़ी तैयार होकर रहेंगे। ये मध्यांतर के लिए अंतिम रेड होगा।